एक सवाल जो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं वो ये है कि सर आउटपुट कैसे प्रेडिक्ट किया जाए। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस, ड्राई रन यानी कॉपी पे रन करवाइए प्रोग्राम को। प्रोग्राम आप सिस्टम पे बनाते हो तो सिस्टम पे तो प्रोग्राम रन हो जाएगा, तो वहां आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आउटपुट प्रिडिक्ट करने की कोशिश कीजिए, कॉपी पे ड्राई रन करवाइए। चलिए इसी तरह का एक प्रोग्राम हम देखने जा रहे हैं जो कि है पाइथन से रिलेटेड और फॉर लूप से है। तो यहाँ पे लिखा फॉर और उसके बाद है आई, आई इन एक ऑपरेटर होता है, रेंज, ठीक है। तो आई इन रेंज लिख दिया और यहाँ पे लिखा गया है 1,16। तो चलिए आप मुझे इसका आउटपुट बताइए। 1,16 अगर लिख दिया गया तो यहाँ पर क्या ये चलेगा लूप, तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा ये आप हमें अगर बता सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे कंडीशन भी है, देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले जो लिखा गया है उसमें तो 1 से लेके 15 तक ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि रेंज जो है एक लास्ट वाला माइनस कर देता है, ठीक है। तो 1 से 15 तक ये प्रिंट होगा, लेकिन अब कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, इफ की कंडीशन दी गई है। इफ आई को यहां पर मॉड्यूलो करवाया गया, मॉड्यूलस करवाया गया 3 से, और रिजल्ट अगर 0 आ जाए, मतलब कि 3 से डिवाइड करने पे रिजल्ट अगर 0 आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो वैल्यू बचे वही प्रिंट होनी चाहिए। तो यहां पे लिखा प्रिंट, प्रिंट का पी स्मॉल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ये हो गया। अब ये करने पर क्या होगा, क्या रिजल्ट आना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले तो 1 से 16 तक आप लिख लीजिए, कहीं जहां भी लिख सकते हैं आप। कॉपी पे मैंने कहा ड्राई रन करवाइएगा तो सबसे बेटर है। तो 1 से लेके 16 तक, तो 16 तक तो आएगा नहीं, 15 तक ही आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 तो आएगा नहीं, तो 15 तक ही आएगा ये। तो 15 तक कहीं लिख लीजिए। अब सबसे पहला काम I में, I को अब देखिए I में रखी हुई वैल्यू यानी 1 से 16 तक जो आएगा, 1 से 15 तक, वो I में जाके अब सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा क्या? अगर 1 को 3 से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा। तो यहां पर तो ये बात कैंसिल हो गई। फिर अगर 2 को करेंगे तो क्या बचेगा? तो यहां पर भी बात कैंसिल होगी। 3 को 3 से करेंगे 0 आ जाएगा, हाँ। तो ये जरूर प्रिंट होगा, 3 जरूर प्रिंट होगा, 0 आ जाएगा तो 3 जरूर प्रिंट हो जाएगा। 4 प्रिंट नहीं होगा, 3 प्रिंट होगा। फिर 5 प्रिंट नहीं होगा, 6 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर 7 प्रिंट नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 प्रिंट हो जाएगा। फिर 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 प्रिंट हो जाएगा। यानी कुल मिला के 3 प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा और 12 प्रिंट होगा और लास्ट में 15 प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो एक बार इसको चलाते हैं, अब देखते हैं आउटपुट। तो हमने इमेजिन कर लिया है, अब इसको देखते हैं एक बार चला करके, ठीक है। तो यहां पर इसको सेव करेंगे किसी भी नाम से और ये लीजिए जो मैंने बोला था सेम वही आउटपुट आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि ड्राई रन कैसे करवाना है किसी भी प्रोग्राम का, ठीक है ना। ओके।